40 मिनट से भी कम का इंतजार बाकी रह गया है। जम्मू कश्मीर हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है और इस बीच इन दोनों राज्यों के चुनाव को लेकर बीजेपी में हलचल तेज है। चुनाव घोषणा के बाद आज शाम करीब 6:30 बजे बीजेपी की बैठक होने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा महासचिवों के साथ आज बैठक करेंगे। बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकते हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस समय मौजूद हैं। नीरज, बीजेपी को भी इंतजार चुनाव की तारीखों का ऐलान का और उसके बाद ये जो बैठक है इसमें मंथन किस मुद्दे पर? देखिए रोमाना, आज ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। महत्वपूर्ण बैठक इस लिहाज से कह सकते हैं कि अभी थोड़ी देर में ही इलेक्शन कमीशन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। दो राज्यों की अभी तक जो जानकारी आ रही है, दो राज्यों की चुनाव की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के उपचुनाव होने हैं, उनकी घोषणा हो सकती है। इनकी घोषणा के साथ ही आज करीब 6:30 बजे के आसपास, खैर ये बैठक पहले से ही निर्धारित थी, लेकिन चूंकि इस समय ये बैठक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आज चुनावों की घोषणा है, तो आज राष्ट्रीय महासचिवों के साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पी नड्डा बैठक करेंगे। उस बैठक के दौरान तमाम विषयों पर, खासकर चुनावी विषयों पर चर्चा करेंगे। कल एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, जो यहीं भारतीय जनता पार्टी का जो एक्सटेंशन कार्यालय वहां पर होना है। इस बैठक में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, सह संगठन मंत्री, इसके अलावा प्रदेश के जो महासचिव हैं उनको भी बुलाया गया, प्रभारी सह प्रभारियों को बुलाया गया और ये मंथन चलेगा करीब 5 घंटे के आसपास। इस मंथन के पीछे का पर्पज यही कि आने वाले समय में 4 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव होने हैं उन चुनावों की तैयारियों को नजर बनाकर रखिए। तो आज महासचिवों की बैठक और फिर कल बीजेपी की पदाधिकारियों की ये बैठक, कमर कसकर सब तैयार हैं आने वाले समय में इन विधानसभा चुनाव के लिए। 35 मिनट के करीब के आसपास का इंतजार बाकी। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी नजर बनी हुई है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।